लेकिन अनवर साहब, मैं एक पॉइंट को ऐड करना चाहता हूँ अनवर साहब, मैं आपको रोक रहा हूँ, कोई ऐसी प्रगति नहीं हुई, मैं इंटरवीन कर रहा हूँ सर। लेकिन एक आरोप लगाया जाता था हर मंत्री पर, चाहे वो लालू प्रसाद यादव रहे हो, चाहे रामविलास पासवान रहे हो, चाहे वो किसी पार्टी से रहे हो, कि रेल या चाहे नीतीश कुमार साहब रहे हो, कि रेलवे का इस्तेमाल पॉलिटिकल होता है। डू यू थिंक द क्रेडिट गोज टू सुरेश प्रभु ऑन दैट, कि रेलवे का पॉलिटिकल इस्तेमाल कम हुआ है, फोकस जो है वो ऑल ओवर इंडिया पे है, नॉट ऑन पर्टिकुलर स्टेट। What is your view on that, Tariq Anwar? I just want to know. 20 seconds for you, Mr. Anwar. Then Shahnawaz Hussain wants to react, and then Ajay Alok. देखिए ऐसा ऐसा है कि जो भी सरकार होती है, उसकी कोई कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। ये कोई निजी संस्था तो है नहीं, कोई कॉरपोरेट हाउस तो है नहीं कि हम सिर्फ फायदे को देखें, लाभ को देखें, कैसे इसको हम ज्यादा ज्यादा हमको इसका आमदनी हो जी, ये हमारा मकसद नहीं होना चाहिए। पॉलिटिकल इस्तेमाल कम हुआ है, जो सोशल कमिटमेंट है हम नेग्लिजिबल नहीं मान सकते पॉलिटिकल इस्तेमाल, तो लेकिन कम हुआ है, दैट इज अ प्लस साइड ऑफ इट, दैट इज अ प्लस साइड ऑफ द बजट। पिछले पिछले साल भी जो सुरेश प्रभु जी ने बजट दिया जी, उसमें कोई नई ट्रेन की घोषणा नहीं की गई, किसी तरह का जो जनसंख्या की बात उन्होंने पिछली बार भी की थी, घोषणा हुई थी। अगर आप ट्रेन की घोषणा करके उसको नहीं चला सकते तो फिर दिक्कत क्या है? तो अच्छी बात है, ये तो पुरानी सुविधा को कम करा। ऐसा है जी, अभी इस साल उन्होंने चार नई ट्रेनों की घोषणा उन्होंने की, बिल्कुल, क्योंकि ये काम पिछले साल भी वो कर सकते थे। देखिए ऐसा है कि हम लोग जिस क्षेत्र से आते हैं, जैसे शाहनवाज साहब हैं, तो हमारे जो वोटर हैं, हमारे जो जिन लोगों जो समर्थक हैं, वो हमसे कुछ उनकी अभिलाषा होती है, बिल्कुल उनकी बिल्कुल कुछ उम्मीदें होती है कि रेल के क्षेत्र में हो या दूसरे क्षेत्र में हो। तारिक अनवर, शाहनवाज हुसैन रिएक्ट करना चाहते हैं। ये एक बड़ा सवाल है कि लोगों की उम्मीदें होती है, हालांकि आप एक बड़ा जिसे कहते हैं बड़ी एक हेडलाइन बटोर सकते हैं रेल ला चलाकर, और लास्ट टाइम बटोरी भी सुरेश प्रभु ने, एंड इसमें कोई डाउट नहीं है, वो एक गुड कॉज के लिए उन्होंने करा, लेकिन उम्मीद होती है ऐसा कुछ आपके कार्यकर्ताओं को भी, आम जनता को भी, नई ट्रेन चलेगी। जो बात तारिक अनवर ने कही उसका जवाब क्या है? 40 सेकंड है शाहनवाज हुसैन, फिर अजय आलोक। सबसे बड़ी देखिए अमित जी, सबसे बड़ा तो तारिक भाई को बधाई कि उनके यहाँ जो डिब्रूगढ़ राजधानी में तारिक भाई कटिहार जाते हैं, उसमें पहला वो आप भी जाते बायो टॉयलेट उसी से जाते हैं, हमारी सरकार ने कर दिया जी। जी मैं भी जाता हूँ तो वो नौगछिया में भी, भागलपुर की नौगछिया रुकती है और किशनगंज में भी रुकती है, दोनों जगह स्टॉपेज हमारी संसद रहते हुआ है। हाँ, तो पहले तो वो ट्रेन का इस्तेमाल सबसे ज्यादा तारिक अनवर साहब करने वाले हैं, तो पहले तो इनको इसके लिए कम से कम, मैं समझता था कि आज सुरेश प्रभु जी के एक काम से तारिक भाई बहुत खुश होंगे कि एक हाइजीनिक टॉयलेट उस गाड़ी में होगा जिसमें तारिक साहब चलेंगे। दूसरी बात, तीन तरह की ट्रेनें आपको पता है कि हमारे कोच फैक्ट्री है, उससे कितने कोचेस निकलते हैं, तो तीन तरह की ट्रेन वो चलाने की बात कर रहे हैं। वो बहुत पॉपुलर ट्रेनें चलेंगी, जितनी ज़रूरत होगी उतनी ट्रेन चलेगी। पहली बात कि जो यात्री चलते हैं उनको प्राउड फील हो कि हम जिस तरह यूरो रेल में चलते हैं यूरोप में, हमारे ट्रेन में भी उसी तरह की सुविधा होनी चाहिए। पहले 4.5 किलोमीटर पटरी बिछाते थे UPA के टाइम में, तारिक भाई उस सरकार में मंत्री भी थे, और अब वो 7 किलोमीटर पर डे है, तो ये काम बढ़ रहा है। देखिए अब बहुत सारी सुविधा, वाईफाई की सुविधा, FM रेडियो की सुविधा, वहाँ पर खाना हाइजीन हो, किसी भी स्टेशन पर आ जाएं, बच्चों के लिए दूध मिल जाए, गर्म खाना मिल जाए, आप SMS करें आपको अगले स्टेशन पर जो चाहें वो मिल जाए। तो रेल में ऐसा नहीं है कि वो रेल ऐसा हम बनाना चाहते हैं हमारी सरकार जिसमें लोग प्राउडली चलें, जिस तरह यूरोप में जाइए तो लोग रेल ज़्यादा पसंद करते हैं जहाज़ के बनिस्बत, उनको लगता है रेल में सब कुछ ठीक। लेकिन अभी यूरोप तक पहुंचने में तो बड़ा समय लगेगा, करने की जरूरत है। अगर उसके हम 40% भी पहुंच जाए, 30% भी पहुंच जाए, तो सुरेश प्रभु ये सुरेश प्रभु हम लोगों के साथ, आप पूर्व मंत्री रहे, बड़े बड़े सपने मत दिखाइए, नीतीश कुमार जी के साथ भी वो कई यूरोप के अपनी ट्रेन में चढ़ गए, सपने नहीं दिखा रहे हम जो अभय सुनिए
अमित जी आप भी यूरोप गए होंगे, मैं भी यूरोप गया हूं, इस पैनल में काफी लोग यूरोप गए होंगे, और अगर नहीं हो तो हम अभय जी को अपना नंबर देंगे, अगर आपके एसएमएस पर वो सुविधा न मिले हमको कहिएगा, मैं जाके आपकी शिकायत सीधे सुरेश प्रभु जी को पहुंचा दूंगा। लेकिन जो कर सकते हैं वही घोषणा की। मैं एक बात कहता हूं कि सुरेश प्रभु जी हमारे साथ नीतीश कुमार जी के साथ भी मंत्री रहे और उनकी प्रशंसा मुझे लगता है सब लोगों ने किया है। कानपुर जाता हूँ, लखनऊ जाता हूँ और इटावा जाता हूँ अपने शहर, शताब्दी बहुत महत्वपूर्ण ट्रेन है, बहुत उम्दा ट्रेन मानी जाती है, सफाई थोड़ी ज्यादा मिलती है, हाँ, लेकिन ज्यादा मिलती लेकिन है, मुझे अभी तक शताब्दी तो सफाई थोड़ी बेहतर मिलती है, नहीं नहीं मिलती, यही कह रहा हूँ, नहीं नहीं पहले से तो बेटर है, अगर होता तो मैं बहुत खुश होता, मैं बहुत तारीफ करता, मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, मैं बड़ा सकारात्मक दृष्टिकोण लेकर इस बहस में आया हूँ। शताब्दी में खाना, हमें उम्मीद थी कि सरकार के आने के बाद शताब्दी में खाना बेहतर होगा, वो खाना बेहतर नहीं हुआ, अच्छा खाना बेहतर नहीं हुआ है, लेकिन ये समस्या है कि नहीं। अभय जी शाहनवाज हुसैन मैं आपके पास आता हूँ, मेरे साथ अजय लोग भी काफी देर से जुड़े हैं, अधीर रंजन चौधरी मेरे साथ जुड़े हैं, सरकार के वक्त में गए हैं कि नहीं, अभय जी पुराना एक्सपीरियंस तो नहीं बता रहे हैं? नहीं भाई मैं आप लोगों को ताजा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, बिल्कुल। चलिए आपको आपको फोर्स किया जा रहा है, एक बार दोबारा विजिट करिए, मुझे लगता है थोड़ा बेहतर होगा। मैं सीधा रुख करता हूँ अधीर रंजन चौधरी का, फॉर्मर एमओएस रेलवेज एंड कांग्रेस, रेलवेज और कांग्रेस पार्टी के स्पोक्स पर्सन भी है, और मेरे साथ अजय आलोक भी। अजय आलोक मैं आपके बताता हूँ, अधीर रंजन आई कम टू यू। अजय आलोक आप वैसे तो बहुत एग्रेसिव रहते हैं, वैसे तो डिबेट में हम सब एग्रेसिव रहते हैं, लेकिन आज बजट आया है, रेल का बजट आया है और पैसेंजर को राहत मिली है, यानी आपकी बिहार की जनता को भी थोड़ी राहत मिली है, आप इस बजट को कैसे देखते हैं? इस बजट में दो अच्छी बातें बताइए, क्या लगी आपको? देखिए बुरी बातें तो विपक्ष बता ही रहा है, आप अच्छी बातों से शुरुआत करें आज, जरा बताइए, टेल मी टू पॉजिटिव थिंग्स सर। सबसे अच्छी बात है बिल्कुल मेहनत नहीं किया है, एकदम आराम से बजट बन गया है, 2015-16 का कॉपी पेस्ट ला दिया, चार नाम और जोड़ दिए उसमें, ये तो नेगेटिव बात है, ये तो नेगेटिव बात है, मैंने दो पॉजिटिव मांगी अजय आलोक आपसे, जैसे मेक इन इंडिया डिजिटल इंडिया ये था, नहीं मैंने पॉजिटिव बताई ना, अरे मेहनत नहीं लगा, देखिए तारिक अनवर साहब भी मुस्कुरा रहे हैं, ये बताइए तारिक अनवर साहब भी मुस्कुरा रहे हैं, शाहनवाज साहब भी मुस्कुरा रहे हैं, अरे अधीर जी मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, कॉपी पेस्ट बजट दूध को लेकर शाहनवाज जी बहुत ये हैं, 15-16 का बजट उठा के देख लीजिए, और जो अभय जी ने कहा है कि 15-16 में जो प्रोजेक्शंस दिए गए थे कि इतनी कमाई करेंगे इतना खर्च करेंगे, जरा उसका आकलन देख लीजिए, कॉपी पेस्ट है, वही चीज है। मैं तो ये कह रहा हूं 2014 से लोकसभा चुनाव के दौरान जैसे ही भविष्यकाल मोड में ये सरकार गई थी, मोदी जी गए थे आने वाले दिन 60 साल कांग्रेस के, 60 महीने मुझे दो देश बदल दूंगा, तो भविष्यकाल में ये सरकार वर्तमान हुआ बेकार, दो साल से सिर्फ बयान ही बयान, काम 0-0-0। आज दूसरा बजट माननीय सुरेश प्रभु जी पेश कर रहे हैं, लेकिन हमने क्या देखा? आपने एक बात सबसे डिबेट के शुरू में कि 70% लोगों को कोई फायदा नहीं मिला, मैं बिल्कुल सहमत हूं, क्योंकि 70% आबादी स्लीपर क्लास से ट्रैवल करती है, आपने स्लीपर क्लास के लिए क्या किया, रेलवे सिक्योरिटी के लिए क्या किया, लेकिन तभी मैं सुरेश प्रभु जी की बहुत सम्मान करता हूं, बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं, लेकिन क्या करें बेचारे, पिछले एक साल में काम ही नहीं कर पाए, बिहार चुनाव था, कभी दादरी हो जाता है, कभी बीफ कांड हो जाता है, कभी कोई सरकार तो इतनी उलझी रहेगी, काम क्या होगा, कोई काम ही नहीं हो पाया, प्रधानमंत्री एंड डिपार्टमेंट का सहयोग नहीं मिला, अब आप इसको कहीं इंटॉलरेंस से भी मत जोड़ लीजिएगा, कहीं देशद्रोह से भी मत जोड़ लीजिएगा, अजय आलोक लगता है इंटॉलरेंस की डिबेट पे जा जाकर, देशद्रोह की डिबेट पे जा जाकर उसी फ्रेम में ढल गए, आज हम रेल बजट पे बात कर रहे हैं, सही हुआ कि नहीं, आज हम रेल बजट पे बात कर रहे हैं, लेकिन इंटरेस्टिंग बात, अजय आलोक हियर मी आउट, हियर मी आउट, अजय आलोक हियर मी आउट, लालू प्रसाद यादव जब बजट लेकर आए थे उसके बाद जब कांग्रेस की सरकार आई थी, ममता बनर्जी रेलवे मिनिस्टर थी, तब व्हाइट पेपर दैट ऑल्सो हैपेंड, दैट इज ऑल्सो अ पॉइंट, ओके, जो अभी आपकी सरकार में सही हो गई है जी। मैं अब आपके पास आता हूँ, अधीर रंजन चौधरी मेरे साथ डिबेट में जुड़ गए हैं, अधीर रंजन चौधरी आपको बस एक, मेरा पहला सवाल आपसे यही होगा, मैं बस एक बात कहना चाहता हूँ, शहनवाज जी यूरोप की, यूरोप से कंपेयर कर रहे थे, नहीं मैं बिल्कुल, ट्रेनें खाली चलती हैं, हमारे यहाँ भी होली आने के लिए अभी एक एक महीने किसी ट्रेन में जगह नहीं मिल रही, बिल्कुल बिल्कुल, देखिए इंतजाम करवा देते शहनवाज जी, हमें उम्मीद थी जी। चलिए मैं शाहनवाज हुसैन से इसका जवाब लूंगा, लेकिन अधीर रंजन चौधरी से मेरा पहला सवाल यही होगा, मैं कह रहा हूँ अधीर रंजन चौधरी साहब दो चीजें बड़ी महत्वपूर्ण इस बजट के अंदर, एक तो पैसेंजर्स को नंबर एक में रखा गया, दूसरी बड़ी चीज करी गई कि फ्रेट फेयर्स पर बच्चों के लिए हुआ को छोड़ दिया है, छोड़ दिया जाए तो अदर सोर्सेस से रेलवे की इनकम जो है वो सिर्फ 5% बढ़ेगी, इनकम बढ़ाने पर जोर ज्यादा नहीं दिखा है, लेकिन आम आदमी को राहत पे जोर
दिख रहा है। व्हाट इज योर टेक, योर फर्स्ट टेक ऑन रेलवे बजट 2016-17? अधीर रंजन चौधरी, फॉर्मर एमओएस रेलवे, लाइव एंड एक्सक्लूसिव ऑन बिग स्टोरी। देखिए पहली बात, देखिए मैं सुरेश प्रभु जी को बहुत पसंद करते हैं, बहुत अच्छा आदमी है। पहले शिवसेना में थे, अभी मोदी जी के चपेट में आ गए हैं, सहना जी लोगों की चपेट में आकर उन्होंने थोड़ा उल्टा सीधा काम करना शुरू कर दिया है। फिर भी ये मैं जरूर कहूंगा कि जब तक ऑर्डिनरी जो वर्किंग एक्सपेंडिचर है, ऑर्डिनरी वर्किंग एक्सपेंडिचर में सुरेश प्रभु जी एक कामयाब जरूर हासिल कर चुके हैं। दूसरी बात, जो एनर्जी सेविंग की बात किए गए है, ये एक अच्छा दिशा उन्हें दिखाया है। अब आइए इससे बाहर होकर सुरेश प्रभु जी जिस तरीके के सपने दिखा रहे हैं, तो उनको मेरा ये सलाह है, जिंदगी कोई ख्वाब नहीं बल्कि एक हकीकत है। जिस रेलवे में अभी आपने कहा कि जहां रोजगार कम होते जा रहे हैं, जहां रेवेन्यू जनरेशन 5.8% हो चुके हैं, जहां आप एक तरफ फ्रेट दूसरी तरफ पैसेंजर हर तरह आपको कमाई में कम आ रहे हैं, और खासकर इस सरकार की जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है वो भी ये जो बजटरी ग्रॉस बजटरी सपोर्ट, ये ग्रॉस बजटरी सपोर्ट की कोई जिक्र नहीं है रेलवे बजट में, तो इसके चलते सुरेश प्रभु जी किसकी भरोसे ये 184,000 करोड़ रेवेन्यू जनरेशन की बात करते हैं और साथ साथ 121,000 करोड़ प्लान आउटले की बात करते हैं, ये मुझे बड़ा ताजुब होते हैं। चौधरी साहब, आप तो खुद एमओएस रेलवे रहे, ये भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड है इस विषय के ऊपर, एक मिनट, इस पूरे मसले के ऊपर कि आपकी सरकार की योजनाएं डिले होती चली गई और कॉस्ट बढ़ता गया, इसीलिए रेलवे का भट्टा बैठ गया। और आपको खुद ध्यान होगा, ममता बनर्जी तो व्हाइट पेपर लाई थी। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि सुरेश प्रभु, आप इन 1.5 सालों को जिम्मेदार मानते हैं रेलवे की इस बदहाली के लिए कि हमारा 10 साल तो आपने भी सरकार चलाई। अरे हमें किसी को जिम्मेदारी की बात नहीं करते भाई। नहीं, आप तो खुद समझते होंगे टेबल क्या 1 साल में टर्न हो सकता है रेलवे का, भारतीय रेलवे का? क्या हम भारतीय रेलवे को यूरोप की रेल बना सकते हैं 1 साल के अंदर? कैन यू डू इट सर? 2 साल ये भी गलती करेंगे। अरे भाई, अरे बात तो करने दीजिए, आप तो बात में नहीं करने देते, मेरे सवाल पूछते जा रहे थे, बात तो करने दीजिए। मैंने कब कहा कि 1 साल में सब कुछ हो जाएगा? मैंने तो नहीं कहा, ये अच्छा दिन लाने वाले की जो सौदागर है उन्होंने कहा। मैंने कभी कहा कि 98,000 करोड़ रुपया खर्च करके मैं बुलेट ट्रेन चलाएंगे? चलिए, शाहनवाज हुसैन से मेरी रिएक्शन लेता हूं। ओके, फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर शाहनवाज हुसैन, हम बुलेट ट्रेन चलाएंगे।